सुबह तुम्हारे सरहाने रख कर जाती हूँ, मगर तुम्हारे शिकवे हैं कि दिन भर में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आखिर आ गई ना तंग तू मुझसे। मैं तंग नहीं आई हूँ, तुम तंग कर रहे हो मुझे। अब बाहर नहीं हो जो सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहते हो, उठ के जरा हाथ पर हिला लिया करो। सारा दिन काम करके घर आओ फिर भी एहसास नहीं होता तुम्हें, और यहाँ आकर बोलो बोलो चुप क्यों हो गई? चुप इसलिए हो गई हूँ कि कुछ बोलूंगी ना तो तुम मुंह फुलाकर बैठ जाओगे। फायदा तो फिर भी कुछ नहीं होगा, एहसास तो फिर भी नहीं करोगे तुम। अनीस भाई, तनख्वाह मिलते ही आपका सारा हिसाब चुका दूंगी, अभी हाथ मत रोके। ऐसा नहीं होता बाजी। बहुत मजबूर हूँ भाई, वरना पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? मैं भी मजबूर हूँ भाई, वरना जरूर दे देता। तुझे काहे की मजबूरी है बे? जो मांग रही है दे क्यों नहीं देता? वो रफीक भाई वो बस बस भाभी, आपको बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सिराज अपना यार है और यारों के लिए तो रफीक की जान भी हाजिर है। रफीक भाई आपको पता नहीं इनका खाता बहुत बढ़ चुका है पहले ही। ओ बस बस, बोला ना जो बनता है दे दूंगा तुझे। नहीं नहीं भाई, आप क्यों देंगे? मैं बोल तो रही हूँ इन्हें, जैसी तनख्वाह मिलेगी मैं इनके सारे पैसे इन्हें दे दूंगी। सुन रहा है? अबे बंदा मोहल्लेदारी का ही कुछ ख्याल कर लेता है। अरे इसी मोहल्लेदारी के चक्कर में तो पूरी दुकान खाली हो गई है। आप बताओ रफीक भाई आपको क्या चाहिए? अभी तो सिगरेट दे मेरे, और जो मांगती है दे देना, वापसी में मिलता हूँ तुझसे। बोले क्या चाहिए आपको? आधा किलो चावल और दाल। कर्मों की सजा मिल रही है ऐसे जो मुझ जैसे इंसान के पल्ले बांधती गई। एक ऐसा इंसान जो बीवी की कमाई पर आज तक पलता रहा, बीमारी ने और इसकी कमर तोड़ दी। उल्टियां कह ज़दा मेरे गंदे आलूदी पड़े, रही सही कसर गालियों की वजह से मेरी तलख पाते हैं। मारपीट गालियां, किस लालच ने तुम्हें अब तक रोक रखा है कवल?
मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक हूँ मैं अब ठीक हूँ। एक बात तो बता। पूछ। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तुझसे क्यों डर लगेगा मुझे? मेरी बीमारी से तुझे भी तो लग सकती है। तेरी बद्दुआ मुझे नहीं लग सकती। मतलब मेरी बीमारी की वजह तेरी बद्दुआ है? चल रोटी खा, सुबह तेरी दवाई लेने भी जाना है, खत्म हो गई है। तू मुझे बद्दुआ देती थी? भाई एक बात तो पकड़ के ही बैठ जाता है तू। कह रही हूँ ना, मेरा वो मतलब नहीं था जहाँ तू बात को लेके जा रहा है। तो फिर क्या मतलब है? मेरी बद्दुआओं में इतना असर होता तो तू यहाँ मेरे सामने नहीं बैठा होता। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। खा लेता हूँ खाना। मैंने वाकई तुम पर बड़े मजालिम ठहरे। मदावा करने को रब से मोहलत मांगता हूं ताकि तुम्हारे दामन को खुशियों से भर दूं, तुम्हारी जिंदगी के सारे गम चुन लूं, तुम्हें इतनी खुशियां दूं कि तुम गम के तसव्वुर को ही भुला बैठो। बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बात का क्या बुरा मानना? माना कि सिराज अपना यार है, लेकिन खैर ख्वाह मैं तुम्हारा भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। लगता है तुम्हें पता चल गया है कि मैंने तुम्हारी सारी उधारी चुका दी है, जब भी हालचाल पूछ रही हो। ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे तुम कर्ज वापस करने वाली ना होती तो ये शर्मिंदगी वाली बात समझ में आती, तुम्हारा इरादा तो ऐसा नहीं है। ठीक कहा आपने। अच्छा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बात का क्या बुरा मानना? माना कि सिराज अपना यार है, लेकिन खैर ख्वाह मैं तुम्हारा भी हूँ। आखिर कब तक दीवार से सर फोड़ती रहोगी? मैं समझी नहीं। अरे वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक हो भी गया ना, दोबारा से वही काम शुरू कर देगा जो पहले करता था। ये क्या कह रहे हैं आप? तो जानती है अभी पिछले दिनों मेरी बीवी मरी है, अपने लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ मैं। अगर तू चाहे तो अपनी बर्बाद जिंदगी को गुलजार बना सकती है मेरे साथ। दिमाग तो ठीक है आपका? आपको एहसास भी है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं? एहसास है
तभी तो यहाँ खड़ा हूँ तेरे इंतजार में। यकीन मान, ये बात मेरे दिल में कब से थी, बस आज कहने की हिम्मत हुई है। बहुत ही बेशरम आदमी हो तुम। अरे दिल की बात कहने में कैसी शर्म। खबरदार, खबरदार, अगर एक लफ्ज भी और बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात पे बिगड़ने के बजाय इस पे सोचना जरूर, फिर बताना मुझे, इंतजार करूंगा मैं। आज फिर नसीब में जली रोटी खाना लिखा है। कोई बात नहीं, तेरी मोहब्बत ने बदल डाला सिराज को। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोटी जली हुई है या सालन में मिर्चे नमक तेज है। तेरी मुस्कुराहट जो पहले बेमोल थी, अब अनमोल है मेरे लिए। चल अब मुस्कुरा दे और ले आ मुकद्दर में लिखे सनाज को, बेटी तो भरना है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना, बहुत अच्छी लगती है। चल दूसरी रोटी ले ले, हाथ नहीं धोएगा। जो आदत तूने डाली है, जाने में वक्त तो लगेगा। मैं धुलाती हूँ। मेरी कोई बात बुरी लगी है तुझे क्या? नहीं तो? तो फिर ऐसी क्या बात है जो तेरे करार को तुझसे चुरा ले गई? वहम है तेरा। वहम का जवाब से बहुत गहरा ताल्लुक है कमल बेगम। बिला वजह दिल में घर नहीं करता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ तुझे। कुछ दिनों से काफी बुझी बुझी सी लग रही है। मालकन ने कुछ कहा है क्या? अगर सिराज को मैंने रफीक की आवारगी का बता दिया तो सिराज तो रफीक की जान ही ले लेगा। इसका मतलब है कोई बात जिसने मेरी कवल की खुशी, मुस्कुराहट और पुराने हुस्न को चुरा ली। सोच रही थी कि अब तो माशाल्लाह से तेरी सेहत अच्छी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से। बस बस, इससे आगे अब कुछ मत कहना। मैं आज ही जाता हूँ रफीक से बात करने रिक्शे की। वो पहले भी मुझे बहुत बार कह चुका है मगर मैं ही इनकार करता रहा, लेकिन अब इनकार नहीं करूंगा क्योंकि अब सवाल तेरे शक दूर करने का है। अरे कहाँ जा रहे? अब मुझ पर हर वो लुकमा हराम है जो तेरी खुशियां लुटाने से पहले मेरे हलक से नीचे उतरे। अभी जाता हूं, तू फिक्र ना कर, अभी जाता हूं। मेरे गुनाह ज्यादा है या
गया मेरा शेर। आजा आजा शेर। बीवी के पल्लू से बंदा शेर। ओए वासनी कर, जानता भी है किस बीमारी से बिड़के आ रहा है वो, फिर भी बकवास किए जा रहा है। बस ज्यादा चमचा गिरी नहीं कर, आया वाला बीवी की बीमारी से जा रहा है, अपना भी दोस्त है सिराजा, पता सिराजे पता। अबे सिराज दफा कर इसे, तू बता तबीयत तो ठीक है ना तेरी, अब तो माशाल्लाह बड़ा चंगा भला लग रहा है। अब पूछने का क्या फायदा, खुशी तो तब होती जब तू मेरी बीमारी में मेरी हिम्मत बढ़ाने आता। अब तो राह चलता भंगी भी मुझसे मेरी तबीयत के बारे में कुछ से ज्यादा गर्म जोशी से पूछता है। खैर एक जमाने में तूने मुझसे अपने रिक्शे के बारे में जिक्र किया था, भाड़े पे चाहिए तेरा रिक्शा, अगर तेरा इरादा ना बदला हो तो मुझे अपना रिक्शा दे दे। वो रिक्शा तो कल सीधा ले उड़ा, जुए में हार गया मैं इससे, अब अगर रिक्शा चाहिए तो इससे बात कर ले। देख भाई जीती हुई चीज जुए के अंदर अगर जीत के ले जा सकता है तो ले जा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक बात है, लगा बाजी अजमा ले अपनी किस्मत। लगा लगा ये ले। मैं अपने शौहर से बेवफाई नहीं कर सकती, चाहे तो कुछ भी कर ले। और अगर उसने तुझसे बेवफाई कर दी तो फिर क्या करेगी, हैं? देगी मेरा साथ? ये दिल एतबार तो मैं खुद से भी ज्यादा करने लगी हूँ तुझ पे, कसमें ना खाया कर, क्योंकि तेरे सच को ना कसमों की जरूरत नहीं है, कसमें तो झूठे लोग खाते हैं, और मुझे पता है तू झूठ नहीं बोल रहा। हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। अच्छा सुनिए फलसफे बाद में सुनाना, बहुत भूख लगी है मुझे, इस खुशी के मौके पे अच्छा सा खाना खिला दे, क्या बात है। इतू रख। पल्लू से बांध के रखूंगी इसको मैं, ले रक्षे की चाबी है। ये सेठ साहब बन गए। बार मैंने तुझे याद दिलाया था कि पत्नी लिया, लेकिन तू नहीं लेकर आया। अब तू चाय मांगेगा और मैं बना के दूंगी तो फिर तू मुझसे नाराज होगा है? अच्छा लगेगा मैं जाके क्या हो गया, खैरियत है? घबराना नहीं है तूने, मैं कराऊंगा तेरा इलाज, घबराना नहीं। तेरी बदुआ लग गई मुझे चला। ऐसे नहीं कहते, मैं भला क्यों तुझे बदुआ देने लग गया? अरे पगली रो क्यों रही है? मैं कराऊंगा तेरा इलाज, मैं लगूंगा तेरे लिए लंबी लंबी कतारों में, हर वो काम करूंगा जो तू मेरे लिए क्या करती थी, बढ़के उससे बढ़कर खिदमत करूंगा तेरी, खुश रखूंगा तुझे। अरे तेरी खिदमत को तो मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा ना, बस तूने हिम्मत दिखानी है, तेरी हिम्मत से मेरी हिम्मत जुड़ी है, हिम्मत दिखानी है। हाँ हाँ बस उन्हें हिम्मत दिखानी।
कहाँ जा रहा है मेरा शेर? काम पर रफीक भाई। बस कौन सा काम, कैसा काम? रिक्शा चलाने का, इसीलिए तो मैं कल आया था तेरे पास। अबे पागल ना बन, सारा दिन मजदूरी करके कितने कमा ले? 100-150, बहुत से बहुत 200। इससे ज्यादा तो तू एक घंटे में कमा सकता है। यकीन करने के लिए अपने रक्षे की तरफ देख। सारी जिंदगी भी मेहनत करेगा ना तो इस रक्षे का मालिक नहीं बन सकता था जिसका तुम मालिक बन बैठा है, वो भी एक झटके में। समझा? रिश्ते की बात करना ठीक नहीं लगा मुझे, इसीलिए तेरे दर पे हाजिर होना पड़ा। निकल जा यहाँ से वरना शोर मचा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी मैं। देख कमल, शोर मचाएगी ना तो बदनामी मेरी नहीं तेरी होगी। हाँ, अब सोच ले, शोर मचाना है या मेरी बात सुननी है? हाँ? सिराजे की तू फिक्र नहीं कर, उसको तो मैं ऐसे काम पे लगा के आया हूँ रात से पहले नहीं लौटेगा। अब सुकून से बैठ जा, मेरी बात सुन और जवाब दे। मैं अपने शौहर से बेवफाई नहीं कर सकती, चाहे तो कुछ भी कर ले। और अगर उसने तुझसे बेवफाई कर दी तो फिर क्या करेगी? हैं? देगी मेरा साथ? अपनी खामोशी को जुबान दे कमल, ताकि मैं अपने खंडर दिल में तेरे लिए महल बनाने की तैयारी कर सकूं। हैं? कमल, बात सुनना, जवाब देना। बोल, क्या जवाब है? मिल गया तुझे जवाब, अब जा। तुमने अच्छा नहीं किया कमल, दफा हो जाए यहाँ से। जानती नहीं है तू मुझे, लेकिन अब जान जाएगी। मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। निकल यहाँ से, दफा। मेरी फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर रफीक, जा जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिया हुआ तोहफा तुझे महंगा पड़ जाए। ऐसे क्या दीदें फाड़ फाड़ कर देख रही है मुझे? हैं? तूने फिर पिए? हाँ पिया, तो क्या हो? क्या हो? वजह नहीं पूछेगी? नहीं। तू वाकिफ है अपनी नहुसत से, इसलिए वजह नहीं पूछेगी। खा गई तेरी नहुसत मेरा रिक्शा, जितने जतन से कल जीता था आज उतनी आसानी से हार गया। ले उड़ा सीधा मेरा रिक्शा, ले उड़ा।
जरा खुद को रफीक देख, खुद को इस नशे ने तुझे बेसेवान बना दिया है। करीब बता रहा, दूर हट जा मुझसे, दूर हट जा, मेरे करीब बता रहा, अभी भुगत के उठाऊ मैं, और तू मुझे दोबारा बीमार करना चाहती है ना, सब जानता हूं मैं। मैं कपड़ा रख, कपड़ा रख, और जा, जा, मर जा, मर जा, जाके जा, 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 और मैं वहां कहा जा रही, तू नहीं तो कहा के जा, वहां नहीं वहां जा, वहां जा, उधर किधर, कबाड़ खाने में, कहा वहां जा, कबाड़ खाने में, फिहिक, नफरत तो ना कर मुझसे, कुछ तो अपने वादों का भरम रहने दे, ऐसे तो ना तोड़ मेरा दिल, अपनी जान तेरे दिल तोड़ने से ज्यादा अजीज है मुझे, समझी तू, अब जाके मर जा, जाके कबाड़ खाने में, वरना मैं तुझे इसी वक्त तलाक दे दूंगा। हाँ बीमार करा जाती है मुझे, करीम तू, अरे मैं रिक्शा आ रही हूँ तेरी वजह से, तेरी नौजत की वजह से, करके क्या कहती है, मैं शराब पी के आया हूँ, हाँ मैं शराब पी के आया हूँ, क्या कर लेगी, किसी को सुना मैं, चल आ जा ना, उठ जा, चल आ जा कवल, चल कवल, कवल कवल, अल्लाह का वास्ते तुझे अपनी आंखें खोल, कवल कवल अपनी आंखें खोल, ये दिल चल आ जा, सुबह हो गई है, उठ जा कवल, मैं तुझसे कह रहा हूं ना, आ जा, अब सुबह हो गई, आ जा, उठ जा, चल उठ कवल, कवल चल आ जा ना, उठ जा, चल आ जा कवल, चल कवल, कवल कवल, अल्लाह का वास्ते तुझे अभी आके खोल, कवल कवल अपनी आंखें खोल, कवल कवल मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, मुझे मुझे माफ कर दे, कवल अपनी आंखें खोल, अपनी आंखें खोल, मुझे माफ कर दे, मैंने सही नहीं किया तेरे साथ, चल कवल उठ, चल उठ, चल उठ, आजा आजा मेरे साथ, आजा आराम से, आराम से, आजा तू, आजा आजा,
तू बैठ जा आराम से, मैं रिक्शा टैक्सी लेकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे। मुझे जबरदस्ती रफीक ने पिला दी थी, वरना मैं तो कभी कसम से हाथ नहीं लगाता। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। कल नशे ने तेरे मन की सच्चाई को जबान दे दी सिराज अहमद। इतने सालों की मुसाफत के बाद कल रात मैंने देखा कि मैं जहां से चली थी वही खड़ी थी। मेरी सारी ख्वाहिशें, सारे गुमान तूने गलत साबित कर दिए, सब खत्म कर दिया तूने, सब खत्म कर दिया। कुछ भी खत्म नहीं कर दिया मैं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। बस बाथरूम, एक मौका, बस एक आखिरी मौका, फिर जो चाहे सजा मुझे डाल। काश ये इख्तियार औरत के हाथ में होता। आज फिर आ पिया तो आके बैठी हुई है, चल जाओ उठ, मेरे लिए पानी लेके आ। हा पगे पगे पगे, रुक जा रुक जा रुक जा। कहाँ रह गई वो? अबे ओ लड़की, अंदर आ जा। आजा, कहाँ रह गई तू? जी वो मैं, ये कौन है? आज से ये तेरी खिदमत गुजार, बल्कि खादमा नौकरानी, रफीक की बेटी। यही सोचकर ब्याह लाया कि कोई ना कोई तो हो तेरी खिदमत करने के लिए, तेरी उल्टियां साफ करने के लिए, कतारों में लगने के लिए। अब ये सब कुछ मैं तो नहीं कर सकता था ना, मगर करना भी था। सो बाजी लगाई और उड़ा लाया इसे। तू इसे जुए में जीता है? तो तुझे हार भी सकता था। गैरत बेशरम, ले मुझ पर हाथ उठा दे। चल 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 चल। Thank you.
क्यों रही है? कौन है तू और यहाँ पे क्या कर रही है? हैं? अच्छा आ गया तो मेरी बेगम है ए? रफीक की बेटी। अरे क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया? सिराज अहमद है, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? क्यों आए? ओए पकड़ लो उसे। किसी का नाम सिराज अहमद है, ले चलो उसे। मगर मेरा जुर्म क्या है? तुम्हारा जुर्म ये है, कम उम्र लड़की से शादी करना और नशे की हालत में अपनी बीवी को मारना पीटना। तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ तुझे, भुगतनी पड़ेगी। अरे चाचा, अंजाम की फिक्र होती ना तो मैं सब कुछ करती ही नहीं। जा, अब जाके अपने दोस्त रफीक के साथ जेल में चक्की पीस। चल ओए, तू आराम से नहीं रह पाएगी। मैंने तुझे रफीक के और इस हैवान के चुंगल से आजाद करा दिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी तुझे भी लग जाए। चल जा, जा शाबाश। मेरा इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं है। अम्मा को तो अब्बा ने 4 साल पहले ही नशे की हालत में मार डाला, और अगर फिर भी तू चाहती है वही वाली तुझे नोच खाए तो मैं चली जाती हूँ। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साहिल खड़ा है, अर्जियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे।